जिस घर की माताएं पूरे परिवार को सुला देने के बाद सोती हैं और घर का आदमी न जाग पावे, माताएं जाग करके घर का काम शुरू कर देती हैं, उस घर की लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं होती। जी के घर ए या कहे वाली बात नहीं, अपने मनते हो बहुरिया जब आवे और 4 बजे बूढ़ा सने कहा लगे मम्मी कोई जान न पावे चलो टहा लिए चले, तो जान जाओ कि यह लक्ष्मी के बुआ है, लक्ष्मी समाप्त ना हुई वादत परी। लेकिन के जैसे बूढ़ा कहे बिटिया चले आओ, है ना, तो जान जाओ यू का है। जिस घर में माताएं बाद में सोती हैं और पहले जाग जाती हैं, और जागने पर करे कहा चाहिए, माताओं को चाहिए कि अब सबसे पहले जागे तो काम बाद में शुरू करें, अपने पति के पैर छुए और आदमी जान न पावे, आदमी जान न पावे कि कत्ती पैर छुएगे तो ईमा फायदा दोनों जने कहे, ईमा फायदा दोनों जने कहे। बालकांड की बात है भैया, ईमा फायदा दोनों जने कहे काहो का है, इसमें स्त्रियों को सुख मिलेगा, स्त्रियों को सुख मिलेगा और पति के भी आयु में वृद्धि मतलब उम्र बढ़ेगी, पति चाहे जहां रहा है लेकिन अकाल मौत नहीं होगी, दोनों जने फायदा है भाई, जोड़ा संपूर्ण रही। अतनी माताएं बैठी हैं बेचारी कहां करे, जनता ही नहीं रहे अब तक, अति माताएं बैठी हैं, जतनी जनी आदमी स्वावत होए और जतनी जनी पाए छुती होए रोज वही हाथ ना खड़ा करे हैं, जतनी जनी छुती नहीं है वही हाथ खड़ा कर रहे हैं। अरे भैया सब जनी पाए छुती हैं भैया, वाह बड़ा विचित्र बात। तो नर्मदा अपने पति की सेवा करती 24 घंटा, अतनी भयंकर सेवा करती है, कितने दिन हो गए सेवा करते करते, सुनो भैया यही विधि बीती गए छे मासा, यही विधि बीती गए छे मासा, भैया सेवा करते करते, लेकिन अतनी भयंकर सेवा करती है नर्मदा, लेकिन भैया वो कोढ़ी ना तो हंसे ना बोले ना बतलाए और चुप्पे यहां जितना घर में ग्वाधन नहीं बना धर दिन जाते वह ना बना धरा रहा है। और कहते हैं कि वो स्त्री बेकार है जो अपने पति को खुश ना कह पावे, वो स्त्री बेकार है जो अपने पति को खुश ना कह पावे, अब वो आदमी बेवकूफ है जो अपनी औरत के यहां देख के यहां आगदाए बड़े जोर से हंसे ना। भैया लोग जब शाम को आया करो ड्यूटी पर से तो आगदाए बड़ी जोर खीसे निकाल दो, तो जान लोग माताएं बड़ी खुश हो गई भाई घर का सफाई करें लड़के साफ सुथरा रखें तो कम से कम इका मतलब खुश हैं, तो हमारी माताओं बहनों के दिमाग के टेंशन खत्म। और पता लग भोरहे गे रहो तब हो तुम मर कहा भैंसा का साखी लौटर रहो, और वैसे से आए हो तब हो मर कहा भैंसा का साखी लौटते हो, तब कहते का यो मरैया है का। अच्छा दिमाग कम टेंशन बनी कि ना बनी, भाई मेरे एक बार अपनी पत्नी को खुश कर दिया करो, और ये माताओं तुम भी एक बार अपने पति को खुश कर लिया करो तो तुम्हारे घर में हर चीज का जहां सुमत तहां संपत नाना और जहां कुमत तहां विपत
निधाना, लड़ाई झगड़ा होए 24 घंटा में लड़ाई झगड़ा एकदम जरूर करो, लेकिन झगड़ा लड़ाई ऐसा ना करो जो घर सत्यानाश हो जाए, वह लड़ाई ना करो। सवेरे लड़ाई कह दो और संझा के यहां फिर बोलचाल कह लियो, 12 घंटा लड़ाई 12 घंटा दोहर होए नहीं का, दिक्कत नहीं हुई घर में। नर्मदा भैया जब 6 महीना हुई गए तो एक दिन हाथ जोड़े, हाथ जोड़ी कर विनय वो चारी, हाथ जोड़ कर विनय वो चारी, नर्मदा हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और अपने पति से बोली, स्वामी हमने आपकी 6 महीना सेवा किया, सेवा करते करते मैंने इतना विचित्र अपने जाने में गलती। ए माताओं गौर से सुनना, पतिव्रता देवी एक बात सुनो, सब धर्म मिलते हैं बार बार और पतिव्रत धर्म मिलता है एक बार। जैसे बचपना मिलते, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ एक बार मिलती हैं, कुछ चीजें ऐसी जीवन में 3 चीजें ऐसी हैं जो एक बार मिलती हैं, जीवन में 3 चीजें ऐसी हैं जो एक बार सिर्फ मिलती हैं। वही कौनिया है भैया, बचपना मिलता है एक बार और जवानी मिलती है एक बार और बुढ़ापा मिलती है एक बार और मौत आवत है यहाँ कदाएं। सही है कथा तो तुम्हें सुनते हो, जो तो चार दिन का सबका भगा दे, कथा हम है गए तुम्हें सुनो। भाई मेरे तो कुछ चीजें होती हैं जो जीवन में एक बार सिर्फ मिलती हैं, इसलिए माताओं तुम्हारा कोई भी धर्म बिगड़ जाएगा तो दोबारा बनावा बन जाएगा, लेकिन अगर पतिव्रत धर्म चला गया तो दोबारा। और एक बात, पतिव्रत धर्म मिलता कैसे है, यो नहीं है कि कल लड़ाई करती रहो तो कहती रहो हे सूर्य बाबा यू हा कला मरी जाए, आवाज कहती हो है ना, आज कहती हो कि हे सूर्य बाबा हमार बाबू ठीक रहे। जीवन में एक बार धर्म चला गया नहीं मिलेगा। एक बता दे, एक दृष्टांत, एक उदाहरण बता दे, उदाहरण यू कथम नहीं है यू अलग है। एक देवी थी बहुत पति की सेवा करे, जो नारी पति की आज्ञा में चले वह नारी है धन्य, जो पति की आज्ञा में चलती है वो स्त्री धन्य है। और सती मैया इसीलिए अभागी हो गई थी क्योंकि भगवान शंकर की आज्ञा में ना चली, अपने मंते पिता के भवन में गई और वहां पर देखा अपमान, यज्ञ कुंड में जल के भस्म हो गई। तो पति की आज्ञा से चलना चाहिए। एक देवी थी अपने पति की खूब सेवा करे आज्ञा, जब आज्ञा में चलती हो माताओं तो तुमका न जान मिली, कि हमारे में कहा क्षमता है वह जाने लोग बाग। हे गंगा में रहने वाले गंगा की महिमा नहीं जानते, वही तो समझते हैं नहर यह बह रही। नीमसार में है जो रह रहे हैं वो ललता मैया का नहीं महिमा जानते कि नीमसार में ललता मैया का चीज है। महिमा तो हम लोग जानते हैं जो धक्का मुक्का लात घोसा खात जाई थे, लेह डाली मार दाबे दे तेरे दादा मरी गल तब चढ़ा है। तो ललता मैया हमका फलो दे है, जो ललता मैया में रहते उनका नहीं मालूम, उनका तो यूं मालूम है कि जो बाहर के रियावे जुगाड़ बनाए रहो सबकी जेब काटे रहो, है ना भाई मेरे। गौर से सुनना, तो गंगा की महिमा गंगा वाले नहीं जानते,
वो देवी को नहीं मालूम कि मेरे पति में क्षमता क्या है, उसको केवल अत्ता मालूम है कि मैं अज्ञा में चलूंगी। ए तो अब एक दिन की बात, उसका पति हर ले गया था, वो देवी सती थी, हर ले गया था, लौट के आया 10 बजे। जब हर लेके आया तो पत्नी बहुत प्यासा था, आवाज दिया देवी पानी। जैसे आवाज दिया कि देवी पानी, अब तो भैया सब बड़ी आराम हो गए, पहले बड़ी मेहनत रहे। जितनी माताएं बहने मेहनत करते ना, वक्ती मेहनत हम तुम नहीं करते रहन हो, चार छह लड़को बिटिया राख और दो याक बकरियों द्वारे बांधी, वो भी मेहनत करें उन समझो, पूरा घर बहार हो, जत्तेम 5 भाई उत्तम बूढ़ा अकेले रहे, पहले 2 बीघा घर रहे, पूरा घर बहारो, बर्तन मांजो, खाना बनाओ, और वहाँ खाना इतना नहीं, पहले कूटो बादिम पीसाओ तब खाना बनाओ, और टाइम से नहीं ख्यातम खाना पहुँचे चाहे नहीं बुढ़ाओ क्या चली जब का ख्यातम, इतना काम करती रहे। वो यह वध कहे पहले ही अस्पताल नहीं बने रहे, कौन चिकित्सालय बच्चा पैदा होए वाले कौन अस्पताल ना है, क्योंकि अति शरीर के रही सर्विस हो जाते रहे। अब कौन लड़का ऐसे पैदा नहीं होते, आए गए हम पुलिस घर रब। बताओ ये सब क्या है भाई मेरे, नर्मदा ओ तो वह देवी सेवा करे, धान कूट रही थी, उसका पति आया बाहर से आवाज दिया देवी पानी। जैसे पानी दी कहा तो वह देवी मूसर बिचारी उठाए के ऊपर ले गई थी, और वह तेहे पर पति ने आवाज दे दिया तो वह आज्ञा चलती रहना आज्ञा पर। जो देवी आज्ञा पर चलती है भले वो शरीर से गिरी हो लेकिन बैकुंठ जाएगी। जैसे पति ने कहा पानी, जैसे पानी का नाम लिया तो पत्नी क्या करती है, मूसर हुए छोड़ दिया, मूसर छोड़ दिया भैया, मूसर पर ध्यान नहीं दिया, मूसर हुए लटका। अब पड़ोसिन देखिन तो खोपड़ी में किरवा जांग लाग, कहा लगी हाय दादा फलनिया केरे फलनवा में अति दम उके दम से नहीं दे मूसर लटक गवा न तार न धागा। कई पत्नी पानी दिया, अपने पति के हाथ का सहयोग दिया, और ये सरोजनी देवी स्वर्गीय मलहराम इस सरौली से हमारे माता जी की तरफ से 121 रुपया हमारे लिए और 51 रुपया भगवान के छोड़ों में, हमारे सभी साथियों के लिए 50-50 रुपया स्पेशल हम भगवान से कामना करेंगे। हमारे मलहराम भैया जी को आत्मा को परमात्मा सुखी रखे, और एक बार जयकारा बोलो हमारे माता जी के नाम का, प्रेम स्रोत दुर्गा भगवती की, बांके बिहारी भगवान की, भगवान से कामना। अरे बन रहा है कारोबार बन रहा है कमवा, देवी क्या करती लिया मूसर ऊपर छोड़ दिया, गई पति के बैलों को खोला और कहा लगी तुम बैठो चले, तुरंत चरणों को धोया।